वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज एनआरआई को संबोधित किया गया। लेकिन इन सबके बीच आज हमारे साथ एक ऐसे एनआरआई हैं जिनको रियल लाइफ में बजरंगी भाईजान के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के ये बजरंगी भाईजान रहते तो दुबई में हैं, लेकिन इन्होंने वहां पर जिस तरह से फंसे भारतीयों को निकालकर वापस भारत भेजने का काम किया है, इस वजह से इनको यह जो बजरंगी भाईजान का नाम है वो मिला। और इसको खुद विदेश मंत्रालय ने भी सराहा, और अब इनको कल जो आयोजन होने जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति जी द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो काम है वह बेहतर है। जी, हम आपका स्वागत करते हैं ईटीवी भारत में। अपना पूरा नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम पूरा नाम गिरीश पंत है। मैं उत्तराखंड के बेरीनाग जिले से हूँ और दुबई में पिछले 11 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। और दुबई में मैं अभी तक जो आपने बात बोली बजरंगी भाईजान, वो ईटीवी नहीं, वो नाम जब कुछ भारतीयों का एक समूह फंस गया था उसको हमने निकाला था, तो ईटीवी ने उस कवरेज को नाम बजरंगी भाईजान का नाम से संबोधित किया था। और अभी तक कम से कम 800 से 1000 लोगों को मैं विदेश से निकाल के भेज चुका हूँ, जिसमें के न कि भारतीय हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, अफ्रीका के भी कुछ लोग हैं। वो लोग हैं जैसे जो भारतीय शिप में फंस जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मिनिस्ट्री का है, जिन्होंने उन लोगों को निकालने में मदद की, और हमारी काउंसिल और एम्बेसी यूएई दुबई और अबूधाबी की एम्बेसी ने पूरा सहयोग दिया, जिनको हमको सकुशल घर भेज सके। गिरी जी, अगर बात करें यह जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें क्या लग रहा है प्रवासी भारतीयों की भूमिका आने वाले भविष्य में कितनी बड़ी भारत के लिए होने वाली है, और कुछ संदेश आपका क्या हो सकता है? देखिए, मोदी जी का जो भाषण था उन्होंने पूरा भाषण जो है प्रवासियों के लिए रखा, और अभी तक जितने भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए हैं उसमें जो आदर सत्कार वाराणसी की जनता ने और जो यहाँ के जो आयोजक हैं और जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी और जो पूरी टीम, उन्होंने जिस तरह से प्रवासियों का स्वागत किया एयरपोर्ट पे, और जहाँ भी जिस जगह भी गए हैं, जितने जहाँ भी जिस भी देश से प्रवासी आए हैं, उनका इस तरह से स्वागत किया जैसे वो सब काशी में हो गए हैं। मतलब इतना भव्य स्वागत शायद इससे पहले कहीं नहीं हो। मैं भी पिछले 3-4 प्रवासी भारतीय में जा चुका हूँ, बट इस बार का एक अनुभव अलग भी है, 2 महीने से है। अगर गिरीश जी बात की जाए, आपका यह जो प्रयास है बड़ा सार्थक है, इतने भारतीयों को आपने बचाया, आपको नाम भी मिला बजरंगी भाईजान का, इसके लिए आपको सरकार क्या कोई सम्मान भी देने जा रही है? जी, कल यूएई से 3 लोगों को एनआरआई का हाईएस्ट अवार्ड प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा भी नाम दिया, मुझे भी कल सम्मानित किया जाएगा माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। निश्चित तौर पर रियल लाइफ में जो बजरंगी भाईजान का किरदार है वो तो सलमान खान ने निभाया, और उनकी जो पर्सनालिटी है उसको देखकर काफी लोग प्रभावित हुए। लेकिन हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान हैं। इन्होंने दुबई में रह के जिस तरह से 700 से 800 प्रवासी भारतीयों को, फंसे हुए प्रवासी भारतीयों को बचाकर वहां से अपने वतन वापस भेजा है, बांग्लादेश, भारत और कई अन्य जो देश के लोग वहां पर जाकर शिप पर और अन्य जगहों पर फंसे थे, उनको सकुशल उनके घरों को भेजा है, जिसकी वजह से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान हैं, और इनके इस कार्य को सराहते हुए सरकार भी इनको सम्मान देने जा रही है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।